सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव है, क्या भाजपा की तैयारी है और 2 साल लगातार 2 बार हार गए विधानसभा लोकसभा, क्या 2 साल को लेकर? प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनसे पूछो, जिलाध्यक्ष जी से पूछो। फिर भी क्षेत्र के आप एक बड़े नेता हो, तो पूरे राजस्थान की बात करेंगे? ना, मैं तो सवाई माधोपुर का विधायक। 6 उपचुनाव को लेकर क्या बीजेपी की रणनीति, आपको क्या लगता है? आज तय होगी रणनीति, फिर बताएंगे। कल एक बहुत बड़ा रणनीति की दृष्टि से आए, क्या जरूरत है, मतलब 2 सहित 6 सीटों को जीतने के लिए क्या जरूरत है, किस स्तर पर जाए? हर चुनाव जीतना चाहिए, जीत से ही मार्ग प्रशस्त होता है जनता की सेवा का। क्या नया किया जाए, नए प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच, ऐसी क्या नया ये किया जाएगा जो एक विधायक मिले आपको भाजपा का नया, उसके लिए क्या किया जाए? आप मतलब काफी एक्सपीरियंस है, तो आप बताओ कि भाई क्या किया जाए ऐसा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच, क्या प्लानिंग तैयार की जाए? देखो, विकास की दृष्टि से तो घोषणा हो गई, 50 करोड़ शहर में, 24 करोड़ गांव में सड़कों के लिए, और यहाँ के नीलकंठ बाबा को झूला, ऐसी मांगे कर दी जो सरकार। और कल का सर बंद भी रहा एक तरीके से, 2 विचार आए, आपका ये कहना था कि ये समाज के SC ST के हित में है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस के नेताओं ने इसको एक तरीके से हाईजैक किया और उसको पूरी तरीके से, देखो वो तो वो आरक्षण को कहीं बीजेपी खत्म तो कर नहीं रही, कोर्ट ने भी खत्म के आदेश नहीं दिए, कोर्ट ने तो एक सुझाव दिया था, वो कोर्ट का निर्णय नहीं था, और सुझाव जो दिया कोर्ट ने भाई क्रिमिनल लागू हो, तो मोदी जी ने कैबिनेट बुला के उसको मना कर दिया कि हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, फिर आंदोलन किस बात का है, केवल राजनीति वोट या सेकने का है और कुछ नहीं। गुमराह कर रहे हैं समाज में, गुमराह ही हो रहे हैं। आप ये बताओ, मामला पंजाब का, पंजाब का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया, तो और पंजाब की सरकार चाहती कि क्रिमिनल लागू हो, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार जब थी अमरिंदर की, तब का प्रकरण चल रहा है, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने अपना राय दे दी, ऑब्जर्वेशन फैसला नहीं होता। अब उसके बाद मोदी जी ने कैबिनेट बुलाई, मना कर दिया भाई इसको लागू नहीं करेंगे, फिर बात कौन सी रह गई? सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने आदेश दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको केंद्र सरकार लागू नहीं करेगी, ये कह दिया। अब उसके बाद तो यही बताया कि राजनीतिक रोटियां कैसे सेकें, गरीब ST SC के लोगों को कैसे बहकाएं, और बहकाने वाले हमारे जैसे हैं, ताकि हमको जीवन भर आरक्षण का फायदा मिलता रहे। ठेठ गांव में बैठा जो गरीब SC का है, चाहे बैरवा है, चाहे जाटव है, चाहे मीणा है, उसको भी लाभ नहीं मिला। इसलिए रिजर्वेशन तो चले जब तक वो बराबरी पे नहीं आ जाए, सामाजिक पिछड़ापन के कारण रिजर्वेशन ST SC को मिला है, तो वो पिछड़ापन दूर हो, इसके पक्ष में मैं भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी है, सभी लोग आरक्षण के विरोध में, तो आप भी नहीं हो, गरीब को मिलना चाहिए वो सामाजिक बराबरी, उसको वहाँ आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ही मलाई खा जाएँ और 90% समाज वही मजदूरी करे, भुखमरी के कगार पर हो, तो उनकी ST SC के लोगों को तो सोचना चाहिए ना। सर, आप कुछ डॉक्टर भी हो, एक कोलकाता के डॉक्टर का मामला पूरे देश में हाईलाइट है, क्या कहोगे ममता बनर्जी सरकार के ऊपर? देखो, वो जिस दरिंदगी से उसके साथ रेप किया, जिस बेरहमी से उसको मारा, जो फौरी कार्रवाई करके उसको दाग लगा दिया, FIR करने में देरी करी, हत्या को आत्महत्या बता दिया, और हत्या पर और गैंग रेप पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये पूरे देश को पता लग गया, और वहाँ तो और भी कई चीज़ निकल के आ रही हैं, शव बेचे जाते थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में गड़बड़ी होती थी, पैसे रिश्वतखोरी चलती थी, वोमेनाइजेशन होता था, तो ऐसा घटिया स्तर के डॉक्टर हों, अस्पताल हो, और राज्य सरकार उस पर पर्दा लगाए, तो ममता तो महिला है, उसको महिला का दर्द पता होना चाहिए, वो ममता जी ध्यान नहीं दे रही, तो CBI, मेरे को भरोसा है कि
शरारती जो भी है उनको जेल के शिक्षों में डालेगी, न्याय देगी। और डॉक्टरों की, देश भर के डॉक्टरों की मांग कानून सम्मत है, सही है। डॉक्टर कहीं सुरक्षित नहीं है जिसमें महिला डॉक्टर तो सुरक्षित है ही नहीं। सर आप कब मानोगे, अब जो आपका इस्तीफे का मामला है, सब कह रहे हैं भाई किरोड़ लाल जी को मना रहे हैं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं न तो पार्टी से नाराज हूँ, न मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ। आप देख रहे हो मैं 40-45 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूँ, और कठिन से कठिन विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो नाराज़गी तो मेरे को अपने आप से है कि मैं पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चाहे टोंक हो, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, तो उसमें मेरी नाराज़गी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपकी नाराज़गी कब दूर होगी सर, ऐसे पब्लिक भी तो बोल रही है। दूर ही है ना नाराज़गी के बीच में, खुश हूँ मैं, यहाँ अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रभारी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ा हूँ मैं। प्रभावित रूप से अगर मैं नाराज होता तो क्यों आता, प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई, वहाँ सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएँ करी आया, और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया, और सड़क और बगैर जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। यानी अब आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो। देखना तो पड़ता ही है, अगर बाढ़ आ गई मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती क्या, कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इसी पर स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे माननीय। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। यानी आप पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हो? नहीं, मैं तो सदा रहता हूँ, पद पर रहूँ या ना रहूँ, बिना पद पर भी मैं तो काम करता रहा हूँ और अब भी काम कर रहा हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा का जैसे बयान आया आपके लिए, कभी कभी गहलोत साहब का बयान आ जाता है, उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि है, मेरे पर इतना दया कर रहे हैं, पिछले 5 साल में तो की नहीं, और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।